ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था कि ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, जैसे उनके अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है सपोज बी, और एक हमने सर्कुलर लूप ले लिया। जब ने ये लूप सर्कुलर किसी भी शेप का हो सकता है, ये लूप है, हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको बढ़ाया या इसकी वैल्यू को घटाया, तो देखा कि इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो हो जाता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो लूप हमने रखा हुआ है क्लोज लूप, उसके अंदर करंट दौड़ता है। तो करंट किस वजह से दौड़ा? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, चेंज तो हम कैसे भी कर सकते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि इस लूप की अगर मैं रेडियस को कम करूं या ज्यादा करूं तो भी करंट दौड़ता है, यानी बी को कॉन्स्टेंट रखा, बी कॉन्स्टेंट, यहां पर बी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन यहां पर बी कॉन्स्टेंट, बी हमने कॉन्स्टेंट रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज, और ये मान लीजिए हमने एक लूप ले लिया, हमने इसके एरिया को चेंज किया, ये एरिया है इसका, एरिया इसको चेंज किया, इसमें चेंज लाए एरिया के अंदर, तो भी हमने देखा कि इसमें करंट दौड़ने लगा। तीसरी कंडीशन में हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि अगर मान लीजिए हम लूप को रोटेट करते मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये आपने स्क्वायर लूप सर्कुलर या जो भी शेप आप ले रहे हैं, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप इसके अबाउट इस लूप को घुमा रहे हैं, अगर मैं इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घुमाऊ तो देखा कि करंट फ्लो किया, लेकिन अगर इस लूप को मैंने यहां से पास होने वाली एक एक्सिस ऐसे ली और उसके अबाउट घुमाया तो करंट फ्लो नहीं। तो यहां पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट देखे गए थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे इसमें पढ़ेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि अगर किसी रीजन में हमने एक क्लोज लूप रखा और हमने लूप के एरिया को कोई चेंज नहीं किया, हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो लूप के अंदर करंट दौड़ा। दूसरे केस में हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया, हमने उसके एरिया को चेंज किया तो करंट दौड़ा। तीसरे केस में हमने क्या किया कि हमने लूप को घुमाया इस वाली एक्सिस के अबाउट तो करंट फ्लो हुआ, लेकिन अगर लूप को किसी अन्य एक्सिस के अबाउट, जैसे मैंने ये लिया इसके प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट घुमाया तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट देखे गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये बात हमें समझने की, तो क्लैरिटी है ना कि कब करंट फ्लो होगा कब करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहां पर एक बात आती है समझ में कि किसी भी लूप से या किसी भी एरिया से क्रॉस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है। याद करा दूं थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है ई ए कॉस थीटा, तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसी की बात करें, ये एनर्जी का मेजरमेंट होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। अरे बताया था, नहीं बताया था, मैंने जब गॉस लॉ पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक स्टडीज में, उस टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने बात करी थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग नॉर्मल टू द एरिया, और ये कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी किसी भी सरफेस से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, सरफेस के एरिया, अगर एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा क्रॉस करेगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा क्रॉस करेगी, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगी। तो पूरा मैंने समझाया था आपको सिस्टम कि एरिया के चेंज होने से एनर्जी कैसे चेंज होती है। एरिया बढ़ गया तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम ज्यादा कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हो जाती हैं तो भी लाइंस ज्यादा निकलेंगी, तो भी एनर्जी ज्यादा क्रॉस करेगी। और अगर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर जो है वो एरिया वेक्टर से कितना पास हो रहा है वो चेंज हो जाता है, तो उससे एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक उन तीनों पे डिपेंड करता है। तो आपको ये कैलकुलेशन मैंने बताई थी कितना फ्लक्स जा रहा है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने पूरा फील कराया था आपको कि कैसे ये आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा ईए कॉस थीटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई डॉट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग नॉर्मल टू द एरिया, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करते हैं, ये भी एनर्जी का मेजरमेंट है जो कि एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है। किस टाइप की एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। वहां पर किस टाइप की एनर्जी थी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्रॉस कर रही है सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी क्रॉस कर रही है, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे बी डॉट ए, और ये हो गया डॉट प्रोडक्ट बी ए कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी है सबको पता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका अगर हम यूनिट लिखेंगे तो बी की जो यूनिट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की हम जनरली टेस्ला मेजर करते हैं, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स की ऐसा ही यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्लियर हो गई बात? तो फाइनली अगर हम देखें कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि इस लूप से करंट का फ्लो होगा तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो तो करंट आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसके एरिया को चेंज कर लो तो करंट आ जाएगा, आप कहेंगे सर एक काम करिए ये जो एरिया वेक्टर है इसके डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है उसको चेंज कर लो तो करंट आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसको इस तरह से घुमा लें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी आप अंदर मान लीजिए तो थीटा बराबर कितना है जीरो। अब जब लूप ऐसे घूमेगा मतलब इस एक्सिस के ऊपर क्या एंगल चेंज होगा? नहीं, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसमें करंट भी नहीं है। अरे एंगल चेंज नहीं हो रहा तो करंट भी नहीं है। लेकिन अगर हम लूप को ऐसे घुमा रहे मतलब इस वाली एक्सिस के ऊपर इस तरीके से घुमा रहे तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी, जब ये लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब थीटा जो है यानी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है तो इसके अंदर करंट आ रहा है, तो इसके अंदर करंट आ रहा है। तो फाइनली हम तीन बातों को अलग अलग कहेंगे कि भाई करंट किस वजह से आ रहा है, इन तीन रीजन से करंट आ रहा है। तो हम ऐसे ना कह दें कि किसी भी कॉइल में करंट तब फ्लो होगा जब उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि बी को चेंज कर रहे हैं तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर चेंज कर रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं थीटा चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बी पर डिपेंड करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी और थीटा पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर तीनों ही चीजें चेंज होती हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होता है जब उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ये कहानी क्लियर होगी? yes. समझ में आ गई सारे बच्चों को? yes. आगे नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट। अब ये जो करंट है ना इसका नाम दिया गया इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। अच्छा तुम्हें पता है करंट तो किसी भी सर्किट में तब चलता है जब एक बैटरी लगी हुई हो यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ हो। सोर्स ऑफ ईएमएफ, अरे बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ है नहीं है? तो जब सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है तो सर्किट में करंट चलता है, बिना सोर्स ऑफ ईएमएफ के तो करंट नहीं होता। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां तो कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा ही नहीं है। अरे हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, क्या बैटरी लगाई थी? फिर भी करंट दौड़ा। यहां हमने एरिया को चेंज किया, क्या बैटरी लगाई थी? तो भी करंट दौड़ा। यहां पर एंगल को चेंज किया है, क्या बैटरी लगी? तो भी करंट दौड़ा। तो यहां तो बिना बैटरी करंट चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं और हमें पता है कि बिना बैटरी के यानी बिना सोर्स ऑफ ईएमएफ के करंट नहीं दौड़ सकता। तो हम ये कहेंगे कि जब भी किसी भी
क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप के अंदर एक फिक्टिशियस बैटरी आ जाती है, एक काल्पनिक बैटरी लग जाती है। आप कल्पना कर लीजिए बैटरी लग चुकी है, वो दिखाई देने वाली नहीं है, बट वो बैटरी लग चुकी है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोर्स के, बिना ईएमएफ को सोर्स के करंट नहीं आ सकता। तो इसके अंदर जो फिक्टिशियस बैटरी लगी हुई है उसका जो ईएमएफ उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे हर बैटरी का ईएमएफ होता नहीं, तो इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन सा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इससे जो करंट दौड़ेगा वो आएगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, और इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है। हाँ भाई दुष्यंत बता, इंड्यूस्ड करंट कब आएगा? अच्छा, और एरिया चेंज हो गया है, और यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये चेंज हो रहा है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी किसी भी कॉइल में करंट कब आएगा? जब या तो एरिया बदले कॉइल का, या उसे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदले, या फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज। तो इन हमने तीन चीजों को अलग अलग बोला है। आप ऐसे ना बोल दो कि मैग्नेटिक कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि इनमें से किसी को भी हम एक को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा नहीं बदलेगा। अरे किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? बी ए कॉस थीटा। तो बी चेंज करो या ए चेंज करो या थीटा चेंज करो तो अल्टीमेटली चेंज क्या होना है? फ्लक्स। अरे होगा नहीं होगा? तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अगर कॉइल में कहीं कोई कट नहीं है, ओपन सर्किट नहीं है, तो उस कॉइल में करंट दौड़ना शुरू कर देता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज चेंज्ड। ये नोट कर लीजिए। ईएमआई की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? द प्रोडक्शन ऑफ करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड। क्लियर होगी बात? अब देखिए आगे, एक्चुअल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। वास्तव में अगर देखा जाए तो यहां पर हम दो एस्पेक्ट पर बात करेंगे। पहला कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ उसका मेजरमेंट करना है, या कितना इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ, एक ही बात है, क्योंकि जब ईएमएफ आ जाएगा तो आप करंट भी निकालेंगे। फॉर्मूला जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इन द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा, जो करंट आ रहा है यानी इंड्यूस्ड करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन। इन दो चीजों पर हमें इस चैप्टर में काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिज्म हमने शुरू किया था तो मैग्नेटिज्म में हमें कितने पॉइंट्स पर काम करना था? दो पर, कि भैया कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ उसका मेजरमेंट। तो उसके लिए हमने बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये सारे पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को दौड़ाते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो उसके लिए हमने लॉरेंज फोर्स पढ़ा था। तो जैसे वहां हमने उस चैप्टर में डिस्कशन किया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भैया कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, उसका मेजरमेंट करना है और इसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें लेंज़ लॉ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? लेंज़ लॉ, यानी कि फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
for the direction of induced current, we will study about Lenz's law. About Lenz's law. हम Lenz's law के बारे में पढ़ेंगे. और दूसरा है for the calculation of induced EMF or induced current for the calculation of induced EMF or induced current, we will study about Faraday's law. ये दो चीजें हैं, एक फैराडे लॉज हमको पढ़ने हैं और दूसरा हमें लेंज़ लॉ पढ़ना है. ये पूरा जो चैप्टर है ये इन दो के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है. उसमें फिर दो चीजें और आ गए हैं कि सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है. ये इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो हमारा ज्यादा 4 से 5 लेक्चर का ये चैप्टर है, इससे ज्यादा लंबा ये चैप्टर नहीं, ठीक है. उसके बाद एसी शुरू हो जाएगा. तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेंज़ लॉ क्या होता है. लेंज़ लॉ कहता है, अच्छा लेंज़ लॉ क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करें. हाँ, तो लेंज़ लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी जो कॉज का अपोज करेगी जिसने उसको पैदा किया है. मतलब जिस रीजन से इंड्यूस करंट आया है उस कॉज को पहचान लो. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी जो उस कॉज का अपोज करेगी जिसने उसको पैदा किया है. यानी यहां पर जो बेटा है वो बाप को मार रहा है, ये मान लो. कैसे, इसको देखिए समझिए. मान लो कि मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप रख दिया. ध्यान से समझना, ये मैंने मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड लूप ले लिया. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं. मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा इसमें, अरे बोलो, इसमें इंड्यूस करंट आएगा. अब इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा. तो इसके लिए हमें लेंज़ लॉ को समझना है. तो लेंज़ लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी जो उस कॉज का अपोज करेगी जिसने इसको पैदा किया है. तो सबसे पहले तो उस कॉज को पहचानो ना, जो इंड्यूस करंट ला रहा है वो कॉज क्या है, जो इंड्यूस करंट ला रहा है मैग्नेटिक फील्ड का. अब इसमें भी चेंज देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है. सही पहचानो कॉज को. आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना इसका कॉज है, बिल्कुल सही है. लेकिन इसको और थोड़ा प्योर करिए, एग्जैक्ट बोलिए. तो आपको कहना चाहिए कि इसके अंदर इंड्यूस करंट इसलिए आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. और अगर मैं फील्ड को घटा रहा होता तो आप क्या कहते कि इसमें इंड्यूस करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. तो सबसे पहले जब भी हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालेंगे तो हमें उस कॉज को पहचानना पड़ेगा जो इसमें इंड्यूस करंट पैदा कर रहा है. तो आपने कॉज पहचान लिया, क्या कॉज है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ेंगी या उतनी रहेंगी, बढ़ेंगी. क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो फील्ड लाइंस पास पास आ रही है. अभी जितना भी ये फील्ड है तो कितनी लाइन भेज रहा है, 4. अगर मैं फील्ड को बढ़ा दूंगा तो फील्ड लाइंस पास पास आएंगी तो अब इस तरह रीजन में 4 नहीं जाएंगी, 4 से ज्यादा जाएंगी. यानी अंदर की तरफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी. तो इसमें जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस के बढ़ने से. अब ये इंड्यूस करंट क्या चाहेगा भाई, इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को ऐसे सेट करेगा जिससे कि अंदर फील्ड लाइंस बढ़े नहीं. मैंने क्या बताया, ये उस कॉज का अपोज करेगा जिसने पैदा किया है.
अब अंदर की तरफ फील्ड लाइंस के बढ़ने से इंड्यूस करंट आया, तो कॉज क्या हुआ? अंदर की तरफ फील्ड लाइंस का बढ़ना। अब इसका अपोज करना है इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट कहेगा बेटा अंदर नहीं बढ़ने दूंगा फील्ड लाइंस को, जब तक मेरे बस की है तब तक अंदर फील्ड लाइंस को बढ़ने नहीं दूंगा। अब सोचो हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही है, अब इंड्यूस करंट इन फील्ड लाइंस को कैसे रोक सकता है? बाहर की तरफ। हाँ, अगर इंड्यूस करंट, क्योंकि देखो जब करंट दौड़ेगा लूप के अंदर वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? करेगा भाई। इसमें करंट दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाएगा। अगर मान लो कि इसमें करंट क्लॉकवाइज दौड़ गया, तो क्लॉकवाइज अगर इसमें करंट गया तो तुम्हें पता है जब भी किसी लूप में करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलावा प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस करंट मान लो ऐसे चल रहा है तो किधर को फील्ड प्रोड्यूस करेगा? अंदर। और हम भी फील्ड बढ़ा रहे हैं वो भी किधर? अंदर। तो मैं जो बढ़ा रहा था फील्ड अंदर और इंड्यूस करंट ने भी अंदर मतलब प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट किया या अपोज किया? सपोर्ट। तो सपोर्ट थोड़ी करता है वो, क्या करेगा? अपोज करेगा। तो उसे कैसे चलना चाहिए इसमें? एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस तरीके से इसमें इंड्यूस करंट को चलना चाहिए? तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर है ना? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी जो कॉज का अपोज करेगी जिसने उसको पैदा किया है। तो सबसे पहले इंड्यूस करंट किस रीजन से आ रहा है उस कॉज को पहचान लो। वो कॉज मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का घटना भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। वो एरिया का चेंज होना यानी एरिया का बढ़ना घटना भी हो सकता है, एंगल का चेंज होना बढ़ना घटना, तो कोई भी कॉज इसका हो सकता है। आपको सबसे पहले उस कॉज को पहचानना है और उस पर काम करना है। यानी इंड्यूस करंट जब चलेगा तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आता है, तो उस इंड्यूस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपको उसकी डायरेक्शन को देखना है, कहीं वो इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में तो नहीं आ गया है कि जिससे जो फील्ड आ रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा हो, जबकि जो इंड्यूस करंट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा क्या करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। क्लियर हो गया? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, बताओगे आप लोग? ये तो हमारा एक पहला सवाल हो गया लेंज लॉ का। दूसरा अगर हम सवाल देखें, मान लीजिए कि मैंने ऐसे ले लीजिए कि ये एक वायर है, उसमें आई एम्पियर का करंट है, आई नॉट टी स्क्वायर, और इसके पास मैंने एक सर्कुलर ये कोई लूप रख दिया है, ये करंट इसमें जा रहा है। करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं, कितना I not T square, तो T बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है समय के साथ। तो मुझे बताइए कि जब वायर के बिल्कुल साइड में लूप रखा हुआ है तो इस साइड में से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा? नहीं, 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 नहीं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, ठीक है, तो इससे r दूरी पर जाओगे तो फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i/r। तो अगर मैं r दूरी पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो क्या टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। करंट कितना है? I not t square। जब मैं यहां वैल्यू I not t square पुट करूंगा तो क्या ये b की वैल्यू कांस्टेंट हो पाएगी? यानी कि जो b है, b इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी t square आएगा नहीं आएगा? b इज द फंक्शन ऑफ t square। तो ठीक है, हमें पता है इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, तो क्या इधर की तरफ भी कांस्टेंट होगा या कहीं भी किसी जगह? टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इस लूप में से भी चेंज होगा? तो इसमें क्या इंड्यूस करंट आएगा? अब बताओ कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख रहे हो करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चला तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बताया ना कि जिधर करंट जा रहा है अपने राइट हैंड के थंब को उधर कर दो, फिंगर को उस तरफ कर दो जिस पॉइंट पर फील्ड जा रहे हैं, तो आपके जो राइट हैंड पर जो परपेंडिकुलर आएगा गोली वाली स्क्रीन की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैसे जा रहा है, ठीक है, और मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैंने अपने फिंगर को उधर करूंगा तो ऐसे होगा, तो अब इसका परपेंडिकुलर डालूंगा तो गोली वाली स्क्रीन पीछे है तो यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वायर प्रोड्यूस कर रहा है वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नहीं आई बात समझ में? अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस वायर ये जो लूप है, लूप से निकलने वाला अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अब इंड्यूस करंट कहेगा बेटा बढ़ने तो तुझे दूंगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? यानी अंदर फील्ड लाइन जो बढ़ रही है उनको रोके, तो इंड्यूस करंट को किधर प्रोड्यूस करनी चाहिए? बाहर की तरफ। तो इंड्यूस करंट अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाएगा तो अपनी फिंगर को आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो कैसे करंट चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है।
तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप फाइंड करना जानते हैं, ठीक है, बना लीजिए दोनों। और मैं पूछ लेता हूं तो एक आपसे, सही तरह से देख ले, कोई प्रॉब्लम है बता दे फिर भी। चलो करो इसको, हो गया। चलो और सवालों का आंसर दो। मान लीजिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें करंट दौड़ रहा है आई एम्पियर, ठीक है, इस टाइप से, और इसके अंदर मैंने एक लूप और रख दिया है, ये इसका सेंटर, दो में को सेंटर है, इस टाइप से, ये मान लो आर वन रेडियस का या आर टू रेडियस का, इसमें जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, बताइए अंदर वाले इनर लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो इसमें करंट कैसे चल रहा है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, अब क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो यानी कि ये जो हमारा अंदर का लूप है इसमें से बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रही है, इंड्यूस करंट कहेगा बढ़ने नहीं, तो वो किधर प्रोड्यूस करेगा, तो इंड्यूस करंट को अपनी डायरेक्शन का सेट करना होगा जिससे कि अंदर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करे, तो यानी उसे कैसे चलना चाहिए, इसमें करंट आएगा, आंसर क्या बन जाएगा, क्लॉक वाइज, क्लॉक देखिए आप लोगों ने, ठीक, आप तो अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब घर में है क्लॉक, अच्छा दूसरा बताओ, अगर मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें करंट आई एम्पियर दौड़ रहा है, आई एम्पियर करंट यहां पर दौड़ रहा है, और यहां पर मैंने दूसरा लूप रख दिया है, क्लोज लूप, ठीक है, और इसमें करंट को इंक्रीज किया जाए, तो बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट, इस क्लोज लूप में पहले जो बताइए क्या करंट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इंड्यूस करंट होगा, अबे इस वाले में करंट दौड़ा रहा हूं, तो इसमें मान ले छोटा सा डीएल एलिमेंट है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट, ये डीएल है मान लो, तो इस बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से इसमें करंट किधर दौड़ेगा, इधर की तरफ, अरे ये डीएल वेक्टर हो गया ना, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो डीएल वेक्टर के चारों तरफ करंट, जब डीएल वेक्टर में जब करंट चलेगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक कोशेंट सर्कल सी फॉर्म में आएगा। अब मान लो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यहां पर फील्ड की डायरेक्शन बताओ इस वाली जगह पर, तो कैसे करेंगे फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट जा रहा है उधर थंब कर लो और फिंगर को पॉइंट की तरफ जहां फील्ड निकालना, तो ऐसे होगा, तो यहां पर किधर जाएगा फील्ड, ये फील्ड इसमें अंदर की तरफ आएगा, अब ये फील्ड बढ़ेगा घटेगा ये बताओ समय के साथ, करंट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, अब इंड्यूस करंट कहेगा अच्छा अंदर बढ़ रहा है फील्ड, देखता हूं बेटा कैसे बढ़ेगा, तो क्या करेगा बाहर प्रोड्यूस कर देगा, तो उसे कैसे चलना चाहिए, एंटी क्लॉक वाइज, तो इसमें आंसर क्या आएगा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, ये इसका आंसर है। अरे तुम्हें आ रहा है समझ, बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, अब जैसे मान लीजिए एक लूप आपने ये ले लिया और इसकी तरफ आप मैग्नेट को लेके जा रहे हैं, ये मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो आप मुझे एक बताइए इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरह से बाहर निकल के ऐसे लूप बनाती है ना, हाँ क्लोज लूप बनते हैं इसमें, ऐसे यहां से निकलेंगे, ऐसे आएंगे यहां पर लूप बनाएंगे, ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ एक लाइंस पे ऐसे दिखा रहा हूं, ये इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे निकलेंगे,
अब अगर मान लो मैं नॉर्थ पोल को इधर की तरफ लेके जाऊं तो क्या इस लूप से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा? होगा। अगर मैग्नेट को इधर की तरफ लेकर के जा रहा हूं तो क्या ये फ्लक्स चेंज होगा? होगा। फ्लक्स चेंज होगा, यानी इधर की तरफ फ्री लाइंस बढ़ रही है, इधर की तरफ फ्री लाइंस बढ़ रही है। अब ये लूप तो ऐसे ऐसे रखा हुआ है और इधर से मैग्नेट जा रहे हैं, नॉर्थ पोल जा रहा है, तो इसमें से फ्री लाइंस बढ़ रही है। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा? अंदर की तरफ फ्री लाइंस बढ़ेंगे, तो उसे कैसे चलना पड़ेगा इसमें? ऐसे या ऐसे? अरे ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो मेरी तरफ फ्री लाइंस को पीछे कम करे, मेरी तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो मेरी तरफ फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब आपको ये पता है कि जब मैग्नेट इधर की तरफ गई और उसमें करंट दौड़ा, तो हर करंट करंट लूप एक अपने आप में मैग्नेट होता नहीं होता। तो यानी कि ये सिंपल जो लूप था पहले तो मैग्नेट नहीं था, अरे सिंपल करंट करंट लूप है ना, मतलब सिंपल एक लूप है ना, बट कोई करंट नहीं है। लेकिन जब मैंने मैग्नेट को धरती तक दौड़ाया तो उसमें करंट आया, तो करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक मैग्नेट होता है। तो ये मैग्नेट बना नहीं बना? इसे बताओ किधर नॉर्थ किधर साउथ? इधर साउथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बढ़ रही है इधर की तरफ, तो करंट कैसे आ रहा है इसमें? मतलब मेरी तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैसे आ रहा है? ऐसे चलेगा ना? एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे पैदा किया है? मेरी तरफ, तो साउथ नॉर्थ किधर बने? यानी पीछे की तरफ तो क्या बनेगा? साउथ। और मेरी तरफ नॉर्थ बनेगा, क्योंकि कोई भी हम करंट कैरिंग लूप लेते हैं अगर वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है तो आपको पता है मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो पीछे साउथ होना चाहिए और मेरी तरफ नॉर्थ, क्योंकि जो करंट जो इसके अंदर आया है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करेगा वो उधर से मेरी तरफ करेगा, यानी साउथ से नॉर्थ। तो इधर को कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। तो इधर को कौन सा बनेगा? साउथ। अब यहां पर एक बात देखने की है कि ये नॉर्थ पोल था जो मैग्नेट की तरफ गया, तो कौन सा पोल बना यहां पर? नॉर्थ। तो यानी कि अगर हम कोई भी सर्कुलर लूप ले रहे हैं और उसकी तरफ हम एक मैग्नेट को लेकर के जा रहे हैं, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जा रहा है लूप की तरफ, तो लूप में नॉर्थ के सामने कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ। और उसके दूसरी तरफ कौन सा आएगा? साउथ। ये बात ध्यान रखना है। हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, मैंने बताया कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होती है जो स्कॉच का अपोज करती है जिसने उसको पैदा किया है। यहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्योंकि नॉर्थ पोल इधर जा रहा था तो नॉर्थ पोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस करंट। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे सेट होगी जो इस नॉर्थ पोल के इधर जाने से रोके। तो अगर नॉर्थ पोल को इधर जाने से रोकना है तो फिर यहां आगे कौन सा पोल आना चाहिए? वही इसको रिपेल कर सकता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होती है जो स्कॉच का अपोज करती है जिसने इसको पैदा किया। अब इसमें इंड्यूस करंट किस वजह से आया? नॉर्थ पोल का इधर की तरफ मूव करना। तो अब इसमें इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन सेट करेगा जिससे इधर को नॉर्थ पोल ना चाहता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इंड्यूस करंट जब कॉइल में चलेगा जिससे वो करंट कैरिंग लूप बनेगा जिससे वो एक मैग्नेट बनेगी, तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल पीछे आ जाएगा। नहीं आई बात? अरे क्लियर हो गया ना? तो यानी कि जब हम किसी भी लूप की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जाते हैं तो उसके सामने कौन सा पोल बनता है? नॉर्थ बनता है। अच्छा, इधर ले जाने की वजह अगर तुम इधर की तरफ ला रहे होते तो क्या होता? इधर लेके जा रहे होते तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, घटेंगे ना? तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्यों घटेंगे? समझ में आ रहा है? तो अब घटेंगे। अब इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन में ऐसे सेट करेगा कि ये घटे नहीं, तो घटे नहीं तो करंट कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेगा तो थोड़ा इधर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी उधर की तरफ। तो जब बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ जा रहा है इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो करंट से आ रही वो ऐसे आ रही, यानी कि इधर को क्या आ गया फिर? साउथ। पीछे क्या बनेगा? क्योंकि करंट की डायरेक्शन, सॉरी फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, तो अब यहां पर साउथ पोल बनेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब नॉर्थ कॉइल की तरफ जाएगा तो नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, और अगर नॉर्थ कॉइल से दूर जाएगा तो साउथ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्कॉच का अपोज होना है जिसने उसको पैदा किया है। अगर हम इधर की तरफ लेके जा रहे थे तो नॉर्थ पोल के जाने से इसमें इंड्यूस करंट आ रहा था, तो नॉर्थ पोल इधर ना जाए तो यहां पर नॉर्थ आ गया। फिर हम नॉर्थ को इसे दूर लेके जा रहे हैं तो इंड्यूस करंट आया। अब कोशिश ये होगी कि भाई ये नॉर्थ दूर ना जाए, तो इसको कौन रोकेगा? साउथ को। लिख लीजिए,
जल्दी लिखिए। तो आपको लेंजेस लॉ तो आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीख लें, ठीक है। चलो और एक छोटे छोटे क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं। जैसे अगर मान लीजिए, अब जैसे मैंने यही कंसेप्ट पढ़ाया, तो यहां एक अगर हम इसको देखें, ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लूप है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप। ऊपर से हमने एक बार मैग्नेट को इसके ऊपर फ्रीली फॉल किया, ये मान लो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये फ्रीली फॉलिंग बार मैग्नेट। तो आपको बताना है इसमें जो एक्सेलरेशन होगा बार मैग्नेट, देखो जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी। तो अब मैंने क्या किया है, सिंपल एक रिंग ले रखी है, सर्कुलर रिंग, और उसके ऊपर से मैंने मैग्नेट छोड़ दी, और वो मैग्नेट इसके बीच में से निकल गया, नीचे चली जाएगी। तो जब हम फ्रीली फॉल इसको करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ए लेस देन जी होगा, दूसरा ए इज इक्वल टू जी होगा, तीसरा ए ग्रेटर देन जी होगा। कौन सी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, ऐसा क्यों होगा, कंप्लीटली ऊपर जो छोड़ दिया है, जो मैं इसके ऊपर या इसके नीचे, चलो दोनों जगह बता दो, ऊपर और नीचे, ऊपर तो सर लेस देन जी, नीचे कि जैसे हमने ऊपर से इसको छोड़ा तो इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस लूप से घटेंगी बढ़ेंगी, बताओ बढ़ेंगे ना, तो नीचे की तरफ क्या होगा, फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स बढ़ा इसका अपोज होगा, इंड्यूस करंट आएगा, नहीं आएगा, तो इंड्यूस करंट आएगा कॉइल में, तो मैग्नेट बन गई, नॉर्थ साउथ पोल डेवलप होंगे। अब मैंने अभी वही पीछे पढ़ाया है कि जब नॉर्थ पोल इधर की तरफ जाएगा तो इसमें ऊपर क्या बनेगा, तो रिपल्सन होगा, नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट पर लगने वाला नेट फोर्स एक तो एम जी लगेगा और एक ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आ गया एफ एम, आया नहीं आया, तो नेट फोर्स कितना आएगा यहां से, एम जी माइनस एफ एम, अरे नहीं आया समझ में, तो अब ये जो नेट फोर्स आ रहा है ये एम जी से कम हो गया, तो यानी कि नेट फोर्स आ गया एम जी माइनस एफ एम, तो दिस इज इक्वल टू मास इनटू ए नेट। तो अगर हम यहां से ए नेट देखें, नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो कितना आएगा एम जी माइनस मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब ये जो वैल्यू आएगी आप बताइए क्या ये लेस देन जी आएगी, यस सर, अगर एफ एम को मैं जीरो कर दूं तो फिर एम से एम कटेगा तो ए नेट कितना आएगा, जी, लेकिन अगर एम जी में से मैं कुछ घटा रहा हूं और फिर मैं भाग लगा रहा हूं एम से, तो लेस देन जी आएगा, तो ऊपर से जैसे हमने इसको छोड़ा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम। अब क्या हुआ, ये नीचे निकल गई, मान लीजिए नीचे निकल गई इसमें से इस तरह से, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है यहां पर साउथ से नॉर्थ में ऐसे निकलते हैं अंदर, ठीक है, इस टाइप से, यस, तो जैसे दूर जा रही है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, हम घटेंगे, तो इंड्यूस करंट फिर आएगा, अब इनको घटने नहीं देगा, घटने नहीं देगा, तो अब इससे देखो साउथ पोल दूर जा रहा है ना, तो इसको रोकेगा, तो ऊपर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, तो अट्रैक्शन आएगा नहीं आएगा, ऊपर ऊपर अट्रैक्शन आएगा। अब इसका एफबीडी बनाना, नीचे तो एम जी और अट्रैक्शन आ रहा है ऊपर एफ एम, तो अब एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी माइनस एफ एम, और दिस इज इक्वल टू मास इनटू ए नेट, तो यहां से ए नेट कितना आ गया, वही पहले के बराबर, एम जी माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई एम, अरे आया नहीं आया, तो अब भी देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन, तो दोनों ही केस में लेस देन जी होगा, एक्सेलरेशन जो है
वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा अगर मान लो मैं सेम वही सवाल ले रहा हूं लेकिन इस जगह पर मैंने कट लगा दिया है इसमें हल्का सा, यानी रिंग को छोटा सा काट दिया है मैंने कहीं बीच में से और अब मैंने ऊपर से छोड़ा तो क्या होगा? क्या क्या होगा? करंट नहीं चलेगा भाई, ओपन सर्किट हो गया ना। फ्लक्स तो जरूर चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझ में आया, बट करंट नहीं होगा क्योंकि करंट क्लोज लूप में चलता है। तो जब करंट नहीं चलेगा तो क्या ही मैग्नेट बनेगी? नहीं, जब मैग्नेट नहीं बनेगी क्या नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे? तो फिर क्या कोई रिपल्सन अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही एक्सेलरेशन आएगा, ए बराबर जी। ये दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया कि अगर रिंग पूरी सही है, कोई कट वगैरह नहीं है, ऊपर से मैग्नेट को फ्रीली फॉल कर रहे हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगी। अगर कहीं कट लगा दिया जाए तो इसके अंदर इंड्यूस करंट नहीं चलेगा, तो ये लूप जो है वो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो पोल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो कोई रिपल्सन इसमें आने वाला या अट्रैक्शन आने वाला नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। हो गया? और देखो, मान लीजिए कुछ हम इस तरह से सोच लें कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मैं एक स्क्वायर लूप को मूव करा रहा हूं, एक स्क्वायर लूप हमने इसमें ले लिया, ये स्क्वायर लूप है दिस इज ए स्क्वायर लूप और ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, v बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो बताइए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, v स्पीड से कांस्टेंट जा रहा है, इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, तो जब ये एंटर करेगा एट द टाइम ऑफ एंटर, दूसरा है तो बताइए व्हेन लूप इज कंप्लीटली इन, लूप इज कंप्लीटली मूविंग मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा व्हेन लूप इज कमिंग आउट, हाँ जी कमिंग आउट फ्रॉम द फील्ड, जब फील्ड से बाहर आ रहा है तो बताइए, फील्ड में अंदर चल रहा है तो बताइए, एंटर कर रहा है तो बताइए, एंटर करते समय क्या होगा भाई? एंटर मान लो ये इस तरह से कर रहा है, यहां पर मैंने बना लिया, अब ये जा रहा है, तो बताइए फील्ड बढ़ रहा है बढ़ रहा है? जब ये एंटर करेगा तो अंदर की तरफ फ्री लाइंस बढ़ेगी, अब इसका अपोज होना है, तो इंड्यूस करंट को किधर पैदा करना है? बाहर की तरफ, तो कैसे चलना पड़ेगा उसे? तो पहले केस में तो आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे केस में बताइए, अब ये फील्ड में चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, या फील्ड में तो स्पीड कम ज्यादा भी हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अब क्या होगा? करंट क्या रहेगा? आई बराबर कितना रहेगा? अब बोलो बोलो, तरुण जीरो रहेगा, क्यों रहेगा? कन्नू जीरो क्योंकि फील्ड लाइन चेंज नहीं हुई। अरे इंड्यूस करंट आता कब है? जब फ्लक्स चेंज होगा। अब जब ये जा रहा है ना, तो एरिया चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है ना, फील्ड चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज रहेगा? तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है तो क्या इंड्यूस करंट आएगा? नहीं आएगा। फ्लक्स में जब कोई चेंज नहीं होता तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू जीरो होती है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो होती है। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो तो इंड्यूस करंट आए ये जरूरी नहीं है, अगर सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो और इंड्यूस करंट आए ये जरूरी नहीं है। जरूरी कब होगा? जब ओपन सर्किट ना हो। अब क्या है कि सर्किट में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर इसमें कहीं कट कर दिया, अगर मान लो तुमने लूप में कहीं कट लगा दिया और फील्ड लाइंस क्या होंगी? शुरू में बढ़ेंगी, अरे एंटर कर रहा है लूप में कट है लेकिन फील्ड लाइंस तो बढ़ रही है ना,
तो फ्लक्स में तो चेंज आ रहा है ना, फ्लक्स में चेंज आएगा इंड्यूस ईएमएफ 100% होगा बट करंट नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें कट लगा रखा है और ये आगे अंदर इसमें एंटर कर रहा है तो करंट नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी सर्किट में ईएमएफ तो हो सकता है लेकिन सर्किट अगर क्लोज है तो करंट चलेगा और सर्किट ओपन है तो करंट नहीं चलेगा, बस ये ध्यान रखना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, बताओ तीसरे केस में बाहर निकल रहा है और जब ये लूप इसमें से बाहर आएगा तो आप सोचिए कि अंदर फील्ड लाइंस घटेंगी तो इंड्यूस करंट को किधर है, अंदर बढ़ाना है, इंड्यूस करंट को अंदर बढ़ाना है, तो करंट कैसे जाना चाहिए क्लॉक वाइज करें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो आप लोग कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीख लिया यानी लेंज़ लॉ कंप्लीट। लेंज़ लॉ की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की लेनी है जिससे कि उसको आज का पोज करे जिसने उसको यूज किया है। हाँ, अगला है फैराडे लॉ। फैराडे लॉज इसने दो नियम दिए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो नियम है इसके। तो फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है कि भाई इंड्यूस करेंट या इंड्यूस ईएमएफ कब आएगा, तो जो कि ईएमआई में मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी कॉइल से अगर हम पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, और अगर कॉइल में कहीं कोई कट नहीं यानी ओपन सर्किट नहीं है तो उसमें करंट दौड़ता है और ये करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने समय तक के लिए रहेगा, जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये बात इसमें समझने की है, ऐसा नहीं है कि भाई कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लगातार पैदा होता रहेगा। लगातार पैदा तभी होगा जब कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स भी लगातार चेंज हो रहा है। बात क्लियर? तो फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल इज चेंज्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एंड एन इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द सर्किट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कंटिन्यू। हम ऐसे कह सकते हैं, नहीं आई बात समझ भाई, जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट तब तक सर्किट में रहेगा जब तक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे ही चेंज को हम स्टॉप कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ये फैराडे का हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ की अगर हम चर्चा करें तो सेकंड लॉ ये बताता है कि भैया ठीक है, आपने ये तो बता दिया पहले नियम में कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन कितना इंड्यूस होगा तो वो हमें फैराडे के सेकंड नियम से पता चलता है, यानी रेट ऑफ चेंज मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट। अगर हम इसकी बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा ये? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा माइनस डी फाइव बाई डी। ठीक है,
ये जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है ये एक टर्न का आ रहा है। अगर मान लीजिए कॉइल में एन टर्न होते, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इज E is equal to minus N और d phi by d, ये इसके बराबर है, इतने वोल्ट। ऐसा हमने क्यों किया? अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए कि आपने ये एक सर्कुलर लूप लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगाया, ठीक है, ये आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाया, आपने क्या किया, B को इंक्रीज कर दिया, अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो इसमें करंट कैसे दौड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इसमें इस तरीके से दौड़ेगा, I की डायरेक्शन आगे। अब I की डायरेक्शन आगे, तो कई बार हम क्या करते हैं, हमें ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी होती है, वैसे तो करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां ये कहेंगे मैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन बताओ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फिक्टिशियस बैटरी है उसकी पोलैरिटी बतानी पड़ेगी कि भैया किधर प्लस लेंगे उस बैटरी का, जो फिक्टिशियस बैटरी है किधर को उसका माइनस लेंगे, तो यहां पर हमें क्या बनाना है, क्यों जी क्या कर देना चाहिए बताओ, करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर प्लस कर दें और यहां पर माइनस कर दें, ये प्लस और माइनस, तो ये आ गई फिक्टिशियस बैटरी। ये फिक्टिशियस बैटरी होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी फिक्टिशियस बैटरी की, कि हम इसके अंदर जो फिक्टिशियस बैटरी लेंगे, काल्पनिक जो बैटरी लेंगे, जो कि है नहीं, कल्पना में हमारी बैटरी है, एक्चुअल में थोड़ी होती है, तो उसमें प्लस पोलैरिटी इधर होगी, माइनस पोलैरिटी इधर होगी, क्योंकि करंट प्लस से माइनस की तरफ दौड़ेगा, ये क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि भाई मान लो कि इसमें रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी है, तो बताइए इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो इस केस में अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंगे तो ये आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड तो प्लस में होता है, तो ये आएगा डी फाई बाई डी टी, लेकिन माइनस में हम इसकी वैल्यू को ले रहे हैं इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन उसका, मतलब जिसने उसको पैदा किया उसका अपोज करेगी, ठीक है, देन नेगेटिव साइन टेल्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव साइन टेल्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बट मैं आपको बताऊं कि हम जब भी इससे रिलेटेड सवाल करते हैं हम यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाते, क्यों? मैंने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अगर तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पता चल जाए तो करंट नहीं बता सकते भाई, ये पता चल जाए ये पोलैरिटी प्लस इधर माइनस इधर, तो करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये जो नेगेटिव साइन जो आ रहा है अल्टीमेटली इस नेगेटिव साइन से हमें लेना क्या होता है, करंट की डायरेक्शन। तो मैं आपको बताऊं कि आप जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए E बराबर मॉड ऑफ माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि केवल इसका मैग्नीट्यूड लें। जब भी आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड, जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कितना ये निकालो, तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन बुद्धि से निकालो, डायरेक्शन किससे निकालो, बुद्धि से, और बुद्धि चलाने के लिए कौन सा लॉ चाहिए, लेंज़ लॉ। तो जब भी आप इसके सवालों को करें, जब भी आप इसके ईएमआई के सवालों को करें, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू लो डी फाई बाई डी टी से, वहां से मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब जो इंड्यूस ईएमएफ आया उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें बुद्धि यूज करनी है, और बुद्धि के अनुसार कौन सा नियम से निकालना, उसे लेंज़ लॉ से। क्लैरिटी है ना?
ठीक है, तो आप इसके चक्कर में मत लगिए कि e equal to minus d phi by dt negative sign क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, कुछ नहीं, e बराबर d phi by dt पॉजिटिव, बस मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन लेंस इज लॉस निकाल, बस इतना करना है। इस नेगेटिव साइन के चक्कर में उलझ गए तो फिर गड़बड़ कर दोगे, इसमें ज्यादा नहीं उलझना है, क्लैरिटी है अंदर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लो मैंने एक टर्म लिया, मैंने आपसे कहा कि बताइए इसमें कितना ईएमएफ आया, तो आपने 50 से बैठे के ईएमएफ बता दिए, इसमें दो टर्न अगर मैं लेता तो करंट अगर मान लो ऐसे चल रहा तो दूसरे टर्न में भी तो करंट ऐसा आएगा नहीं है, तो उसमें भी तो ईएमएफ आएगा, अरे हर टर्न में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हर टर्न से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, अरे सेम रेट से चेंज हो रहा है ना, एक सेकंड में अगर जहां 10 स्पीड लाइन चेंज हो रही है तो दूसरे टर्न से भी 10 चेंज होंगी, तीसरे से भी 10 चेंज होंगी, अगर यहाँ n टर्न होते तो सभी से बराबर फील्ड लाइन चेंज होती नहीं होती, तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सभी में सेम होता नहीं होता, तो हर टर्न के अंदर जो 50 बैटरी लगेगी वो लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि हर टर्न में एक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो 50 बैटरी हर टर्न के अंदर आनी है। अब हमें ये देखना है कि जो 50 बैटरी हमने लगाई ये आपस में जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई, भाई ऐसे करके टर्न जा रहे तो एक टर्न दूसरे जुड़ रहा दूसरा तीसरे, तो क्या 50 बैटरी भी जुड़ी हुई है? यस सर। कैसे जुड़ी हुई है? देख ये मान लो प्लस हो गया, फिर आगे का भी है तो फिर माइनस प्लस, फिर अगले टर्न में माइनस प्लस, फिर अगले टर्न माइनस प्लस, तो आप देख लो कि एक सेल दूसरे सेल से जो जुड़ रहा है वो कैसे जुड़ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। तो मान लो अगर ये तीन टर्न होते तो एक में कितना है ई, तो दूसरे में भी ई और तीसरे में भी ई, और तीनों ही सेल्स कैसे जुड़ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा थ्री। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि एक टर्न में कितना आ गया डी फाइव बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई ई, और एन टर्न है तो एन इंटू डी फाइव बाई डी टी यानी एन, इतना फ्लक्स आ जाएगा। अभी बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां से हमने ये देख लिया कि भाई इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे n d phi by dt, यानी कि n टर्न से हर टर्न के अंदर 50 बैटरी जुड़ी हुई है और हर बैटरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो n d phi by dt आएगी। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो बहुत बढ़िया, यानी फैराडे का हमने सेकंड लॉ भी पढ़ लिया, फैराडे का हमने फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया, तो फैराडे का सेकंड लॉ हो गया E is equal to minus N d phi by dt, यानी rate of change in magnetic flux is directly proportional to induced EMF, यानी कि जितना rate of change in magnetic flux ज्यादा होगा उतना induced EMF ज्यादा होगा। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक लूप है और इसके सामने एक मैग्नेट को हम लेकर के जाना चाहते हैं, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल, ये मैग्नेट इधर की तरफ जा रही है, इसमें दो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। अब पर्सन ए जो लेके जा रहा है इस मैग्नेट को यहां से और ये नॉर्थ पोल को यहां तक पहुंचा दिया, इतनी दूरी इसने मैग्नेट को चलाई है, बी दूरी है, तो ए लेकर के गया है उसको टी वन इज इक्वल टू मान लो 5 सेकंड में, और टी टू जो है बी जो लेके गया है वो उसको लेके गया 15 सेकंड में, तो इसका मतलब बी उसको धीरे धीरे करके लेके जा रहा होगा और ए उसको थोड़ा फास्ट लेकर के गया है। अरे ये तो मतलब मैंने कहा कि इस लूप की तरफ ए और बी दो पर्सन सेम मैग्नेट को लेकर के जाते हैं, ये मान लो पोजीशन ए है नॉर्थ पोल की, और जब ये नॉर्थ यहां पहुंच गया है तो ये पोजीशन बी हो गई, मतलब दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ मैग्नेट, ये उसका साउथ पोल हो गया, यानी बी दूरी चले। तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ नहीं हुआ? तो क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा? कैसे इंड्यूस करंट आएगा? ए पोजीशन में जब हमारी मैग्नेट है तो यहां से कुछ फील्ड लाइन कम निकलेंगी, अब जब और नजदीक चला जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी, निकलेंगी नहीं नहीं निकलेंगी, तो यानी इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स में चेंज हो गया, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और कॉइल में क्योंकि कोई कट भी नहीं है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट भी आएगा। अब इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्या ए और बी दोनों पर्सन जब इस मैग्नेट को यहां से यहां लेकर के आ रहे हैं इस पोजीशन में सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेंगे? नहीं। बताइए, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सेम आएगी? सेम
भाई यहाँ नॉर्थ था वो यहाँ आ गया, जो पर्सन ए है वो भी उसको यहाँ से यहाँ नॉर्थ को पहुंचा था, पर्सन बी वो भी उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा रहा है। तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें आएगा वो सेम आएगा दोनों के द्वारा, एयर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेंगे सेम करेंगे क्या? जबकि मैं क्लियर पहले कर चुका हूं कि जो ए है उसे इसे यहां से यहां तक लाने में कितना समय लगता है और दूसरे को कितना समय लगता है। तो क्या दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम पैदा करेंगे, सेम पोजिशन में लेकर भी गए ए से बी, नॉर्थ पहले ए पोजिशन में था नई पोजिशन बी में पहुंच गया, दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट किया है मैग्नेट। अब समझना हमें ये कि एयर भी जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर रहे हैं क्या दोनों के लिए सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ई लगाए के प्रोपोर्शनल होता ना उसके, किसके डेल्टा डी फाई बाय डी टी के फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाय डी टी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा? भाई देखिए जब ये यहां पर है तो उस समय इसमें से जो फील्ड लाइंस जा रही ऐसे मान लीजिए ऐसे जा रहे, तो जब ये यहां पर है तो इसमें से जो तीन फील्ड लाइन जा रही है तो फ्लक्स मान लो फाइबर है। अब जब ये यहां पहुंच गया तो इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही तो अब फ्लक्स मान लो फाइव। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो आ गया डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव। क्या दोनों के लिए चेंज इन फ्लक्स सेम आया? नहीं बताइए एयर भी चेंज इन फ्लक्स तो सेम, दोनों ने जो फ्लक्स में चेंज किया है क्या वो दोनों ने सेम चेंज किया है? अब एक धीरे धीरे करके आया था एक फास्ट लेके आया, बट साला पहले जो था वो फाइव वन था, सेकंड पोजीशन में जब दोनों लेके पहुंचे तो फाइव हो गया फ्लक्स, तो फ्लक्स में चेंज तो सेम ही आया है। फ्लक्स में चेंज थोड़ी मतलब ऐसा कि ए का ज्यादा और बी का कम, तो रेट मतलब यहाँ पर जो चेंज इन फ्लक्स है वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल ईएमएफ निकालूं तो ये मान लो टी बराबर जीरो था समय और इसके लिए टी वन हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया टी टू, तो पहले वाले के लिए डेल्टा टी वन इज इक्वल टू टी वन माइनस जीरो और दूसरे वाले के लिए टाइम होगा डेल्टा टी टू टी टू माइनस जीरो। नहीं आ रहा समझ में? अरे पहले वाले ने टोटल कितना टाइम लिया है? टी वन माइनस जीरो यानी कि टी वन, दूसरे वाले के लिए डेल्टा टी कितना हो गया टी टू माइनस जीरो यानी टी टू। तो अगर मैं कहूं कि भाई फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अभी मैंने बताया E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, हम डी फाई बाई डी टी लिख रहे हैं और एक होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इन दोनों में फर्क क्या है पहले थोड़ा सा इस पर विचार करो, इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा जो देगा ये देगा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां पर हम एवरेज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि डेल्टा टी जो है वो बड़ा है, डेल्टा टी बड़ा है और यहां पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो जब डेल्टा टी टेंस मतलब डीटी टेंस टू जीरो है, जब डीटी टेंस टू जीरो होता है तो इसमें ये इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि आप इसमें अलग अलग टाइम पर कितना ईएमएफ है ये नहीं बता सकते। तो इसमें क्या है कि जो भी वैल्यू होती है वो डीटी टाइम इंटरवल में हर जगह पर क्या होती है सेम होती है, लेकिन यहां पर जो डेल्टा टी है दिस Not tends to zero, not tends to zero. यानी ये बड़ा इंटरवल है। इसमें आप अलग अलग इंस्टेंट पर ईएमएफ की वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं यानी बात समझ में? अब ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो नहीं होता, डेल्टा टी तो 10 सेकंड भी हो सकता है 5 सेकंड भी हो सकता है, तो यहाँ डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल ऐसा है इसमें आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं, नहीं देख सकते? तो यहाँ तो टाइम इंटरवल बड़ा है तो इसलिए अलग अलग इंस्टेंट पर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की अलग अलग वैल्यू देख सकते हैं। तो यहां पर हमें एवरेज निकालना होता है कि भाई इस पूरे टाइम इंटरवल में कितना एवरेज रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं डीटी टेंस टू जीरो पर, तो डीटी टेंस टू जीरो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, 0.001 सेकंड का। अब इतने छोटे टाइम इंटरवल में तुम अलग अलग टाइम पर इफेक्ट देख पाओगे क्या? आपको सेम इफेक्ट नजर आएगा, अलग अलग आएगा भी नहीं सेम ही नजर आएगा। तो इसलिए जो इफेक्ट नजर आ रहा है वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, उस टाइम का कहलाएगा।
इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और ये सारी बातें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो भी एवरेज ही होती है, बट हम ये जो एवरेज लेते हैं ये इतने छोटे टाइम इंटरवल का एवरेज है कि इसमें अलग अलग इंस्टेंट पर, इसमें भी इतने छोटे टाइम इंटरवल में भी अलग अलग इंस्टेंट पर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको एक ही वैल्यू नजर आती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि भाई कितना ईएमएफ आएगा तो वो आएगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं डेल्टा फाइव इज कॉन्स्टेंट, डेल्टा फाइव जो है वो तो दोनों ही पर्सन के लिए सेम है, तो ई रेसिप्रोकल टू डेल्टा टी, ई रेसिप्रोकल टू डेल्टा टी, तो जिसका टाइम इंटरवल कम है वो ज्यादा ईएमएफ पैदा करेगा। तो बताओ ए और बी दोनों में से किसका ईएमएफ ज्यादा है, मान लो ए तो करता है ई ए प्रोड्यूस और बी करता है ई बी प्रोड्यूस, तो ई ए ग्रेटर देन क्योंकि डेल्टा टी किसके लिए सबसे कम है, अरे वो 5 सेकंड लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है 15 सेकंड, 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है, तो इस मतलब ए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लाएगा वो बी से 3 गुना ज्यादा लाएगा, क्योंकि ए का समय बी से 3 गुना कम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 3 गुना ज्यादा है, क्लैरिटी है ना। इसके तरफ अगर ए और बी दो पर्सन मैग्नेट को लेकर के जा रहे हैं, एक स्लो लेके जा रहा है एक फास्ट लेके जा रहा है, तो जो फास्ट लेके जा रहा है वो ज्यादा ईएमएफ पैदा कर रहा है, जबकि दोनों ही जो स्लो और फास्ट लेके जा रहे हैं दोनों से फ्लक्स में चेंज तो सेम आ रहा है लेकिन ईएमएफ जो है वो दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि वेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा, नहीं आ रही बात, तो मैं ये समझ में आना चाहिए इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, और एवरेज अगर हमें निकालना है ईएमएफ कितना है तो फिर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी ये वैल्यू हमें देगा। क्लियर हो गई बात, अरे हो गया नहीं हुआ। अब जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी सर्किट में भाई कितनी है, तो करंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, करंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसी में करंट बताओ कितना चल रहा है, तो करंट कितना निकालेंगे हम ई वाई आर, ई वाई आर कि भाई टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से इन प्रॉब्लम को हम बनाएंगे। अब जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम, बस अभी कितना टाइम हो गया 38 चलो खत्म 38 क्लास ओवर, ठीक है।